भूख हड़ताल पर बैठे कपिल मिश्रा पर हमला करने वाला शख्स कौन था, क्या वो बीजेपी से जुड़ा था या फिर आम आदमी पार्टी से। दरअसल कल तक ये खबरें आ रही थी कि कपिल मिश्रा पर हमले के पीछे बीजेपी का हाथ था। जिस शख्स ने कपिल पर हमला किया था उसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मौजूद है और बीजेपी के प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सबके बीच अब पुलिस ने दावा किया है कि हमला करने वाला अंकित भारद्वाज आम आदमी पार्टी का सदस्य है। अंकित भारद्वाज फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसे शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अंकित और उसके पिता दोनों ने बताया कि अंकित 2 साल से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा था। अंकित ने बुधवार को हमला करने के दौरान कहा था कि कपिल ने धोखा दिया है, मैं अपने आप आया हूं, किसी ने नहीं भेजा, मैं भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूं। वहीं इस मामले में कपिल मिश्रा ने भी आरोप लगाया कि हमला करने वाला व्यक्ति सत्येंद्र जैन के साथ मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट से जुड़ा था, वह आपका कार्यकर्ता है। कपिल ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि आपने झूठ बोला है, दरअसल कल आपने हमलावर को बीजेपी का सदस्य बताया था। इस पर आज कपिल मिश्रा ने आपसे पूछा कि इतनी जल्दबाजी में झूठ क्यों बोला, खुद से झूठ फैलाने की कोशिश क्यों की, क्या आप सत्य की शक्ति को भूल गए हैं। तो खुद पर हुए हमले के लिए कपिल मिश्रा ने आपको जिम्मेदार ठहराया है। कपिल का कहना है कि आपने हमले की साजिश रची है, अब सच क्या है ये तो जाँच के बाद ही साफ हो पाएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।